तेरियां बेपरवाइयां परी ओ वेखे वेखण वालियां अखियां जिसनों लाइयां सदना सैणा नाम दियो पीपा होर अनेकां तारे ने वाह मेरे दाता वाह मेरे दाता तेरे रंग न्यारे ने रंग न्यारे ने करके कर्म प्रीतम मेरे चक जो कूड़ पाप दे नेरे लग जान कर खुशियां दे डेरे जी गम दूर नसा लेना करके मेर मेरां दे असाइयां अपना जस करवा लेना करके मेहर मेरा दे असाइया अपना जस करवा लेना ए जग जिलन माया संदा रखिया जकड़ जंजीरी बंदा खोलो कलो कूड़ दा फंदा जी छलनी परमावे ना खड़े आनंद लहर विच रहिए चंदरी चिंत सतावे ना खड़े आनंद लहर विच रहिए चंदरी चिंत सतावे ना करके कर्म प्रीतम मेरे चक दो कूड़ पाप दे नेरे लग जन कर खुशियां दे डेरे जी गम दूर नसा लेना करके मेर मेरा दे असाइयां अपना जस करवा लेना करके मेहर मेरा दे असाइयां अपना जस करवा लेना जग जिलन माया संदा रखिया जकड़ जंजीरी बंदा खोलो गलो कूड़ दा फंदा जी छलनी परमावे ना खड़े आनंद लहर विच रहिए चंदरी चिंत सतावे ना खड़े आनंद लहर विच रहिए चंदरी चिंत सतावे ना तो बिन कौन हो सके उजागरिया सुचे दिसदा तेरा रूप समुचे दुईता दिल नू पावे ना खड़े आनंद लहर विच रहिए चंदरी चिंत सतावे ना खड़े आनंद लहर विच रहिए रहिए खड़े आनंद लहर विच रहिए चंदरी चिंत सतावे ना जर जर दे विच वसे पर न भेद किसे नू दसे फुल्ला खारा दे विच हसे अपनी महक बना लेना करके मेर मेरा दे असाइयां अपना जस करवा लेना करके मेहर मेरा दे असाइयां अपना जस करवा लेना काव दी बारिश टठे दिल नू मिरजे टारस टठे दिल नू मिलजे टारस सोना करे लोहे नू पारस सोना करे लोहे नू पारस बैंका कूड़ बतावे ना
खिड़े आनंद लहर विच रहीए चंदरी चिंत सतावे ना। खिड़े आनंद लहर विच रहीए चंदरी चिंत सतावे ना। ओ दईए ज्ञान दी गंदा वड़ के ओ ये ज्ञान दी गंगा वड़ के दरिए नाम दे बेड़े चढ़ के जप्पू राम नाम दा फड़ के कुमरा विचों बचा लेना करके मेर मेरां दी असाइयां अपना जस करवा लेना करके मेर मेरां दी असाइयां अपना जस करवा लेना। सुंदर नैन नकश ने बांके कर दियो दूर हिरदियों शंके दूर हिरदियों शंके जी गम नेड़े आवे ना। आनंद लहर विच रहीए चंदरी चिंत सतावे ना। खिड़े आनंद लहर विच रहीए चंदरी चिंत सतावे ना। गुरु पंथ गुरु खालसा जी हाजरी सतगुरां दे चरणां विच लवाउण वास्ते महाराज नूं सीह चुका के कलगियां वाले पातशाह महाराज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाओ जो सिखी का सच्चा ते सुचा सिद्धांत है। सरबत माई भाई रसना पवित्र करो ते आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। महान गुरमत समागम में जुड़ के सतगुरां दीआं रहमतां दे पात्र बन रहे हो धनता दे योग भागां वाले। सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिन्हां नूं वड्डियां 12 बख्शां धन गुरु अंगद साहिब महाराज ने बख्शिश कीतियां साल बाद एक सिरो पाओ एक बख्शिश महाराज करदे रहे। नमाणियां दे माण ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਨਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ ਨਧਿਰਿਆਂ ਦੇ ਧਿਰ ਬੇ ਧੀਰਜਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਨਿਰਬਲਾਂ ਦੇ ਬਲ ਨਿਆਸਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਨੱਥ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ 1541 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ 1541 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਆ ਤੇ 1541 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਬਸਤੀ ਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। 26 ਅੱਸੂ 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਬਸਤੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲਾਏ ਬਾਸਰ ਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। 1541 ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1546 ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਾ ਖੱਤਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੜਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਬੀ ਆ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇੱਕ ਛੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਓ ਇਸ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਂਦੇ ਖੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਕੋਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 29 ਮਾਰਚ 1552 ਨੂੰ
धन गुरु अंगद साहिब महाराज गुरु नानक साहब की गद्दी की जिम्मेवारी धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज उन्होंने सौंप के मत्था टेक के ऐलान करके के जाओ श्री गोइंदवाल साहब जाके सिखी का प्रचार प्रसार करो संगतां नूं रब दे नाल जोड़ो। सतगुरु जी श्री गोइंदवाल साहब आ गए। समा चलता गया 1554 16 फरवरी धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने अपनी सपुत्री बीबी भानी जी का आनंद कारज भाई जेठा जी दे नाल कर दिता है। उन्हां विच वेख्या सिफतां कि नहीं गुण कि नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने आनंद कारज कर दिता है। भाई जेठा जी अगे नालों भी जिम्मेवारी वड्डी मिल गई है। मैं गुरु के परिवार का मैंबर बन गया है। सारा सारा दिन सेवा कर दिया। ये नहीं कि हुण मैनू की लोड़ है सेवा करन दी। नहीं नहीं, साध संगत सेवा जे कोई आखे मेरे वर्गा आखे कोई वड्डा जथेदार आखे भी ये संगत नहीं करनी है सानू नहीं लोड़ सेवा करन दी, पर गल नहीं पड़नी। सिमरन ते सेवा उन्हूं भी करनी पैनी है, नहीं तो इस तरह नहीं उहदी दरगाह दा रस्ता नहीं मिलना, उहदा दरवाजा नहीं मिलना। यह सारयां नूं करना पैणा भावें कोई होवे। सेवक को सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई। आ जदों असीं इस खेत विच दाखल होए हां ते शुरू तों लैके नौजवान कोई जोड़े घर सेवा कर रहा, कोई मोटरसाइकलां दी, कोई लंगर छका रहा, कोई पका रहा, किन्नियां सेवावां निभा रही है जवानी नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के अपने वड्डियां दे इह गुरमत समागम सफल बनाउण वास्ते ते हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे लंगर छक के जाओ, जल पानी छक के जाओ। मैं बेनती कर रहा सी सतगुरु जी 21-22 वार गंगा ते हरिद्वार ते गए सन, तीर्थां ते गए सन जदों गुरु ने सिधारण कीता। 1569 दा समा आ गया। सतगुरु जी सोचदे आ लोगों के मन में भरम आके नदियां ते जाके नहाउण दे नाल पुन दान करन दे नाल मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, पर नाम तो बिना नहीं। गुरु नानक साहब के घर में नाम की वड्याई आ। नानक के घर केवल नाम, दूजी गल ही कोई नहीं। तीर्थ सिखी का रचिया जाए जिस विच इशनान भी संगतां करन ते नाम जपन सिमरन करन ते परमात्मा दे रस्ते ते चल सकन, उहदी मुक्ति प्राप्त कर सकन। सतगुरां ने हुक्मनामे भेजे, संगतां आईआं, बेअंत रौनकां लगीआं। श्री गोइंदवाल साहब दी धरती ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब भाई गुरदास साहिब जी, भाई बल्लू जी, भाई पारो जी, बेअंत सिख सतगुरां दे, भाई जेठा जी महाराज दा दिमाग और अमृत वेले उठे है। संगतां नूं नाल लैके, इन्हां सिखां नूं नाल लैके सतगुरु महाराज जिथे हुण बौली साहिब है, जिथे इशनान करन वास्ते जाने इस जगह ते गए है। भाई जेठा जी ने सारा प्रबंध कीता है, कईआं टोकरियां और इत्थे सेवा शुरू होनी है, कार सेवा शुरू होनी है। महाराज संगतां नूं नाल लैके उत्थे जाके रुके आ। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं कहण लगे, सतगुरु बाबा जी तुसीं अपने पवित्र पावन हत्थां दे नाल इस तीर्थ दा टक लाओ तां कि सेवा शुरू हो सके। गुरु नानक साहिब महाराज नूं याद करके अरदास करके बेनती करके एक कार्य करो। इस तरह होया, बाबा जी ने गुरु नानक साहिब महाराज नूं याद करके, गुरु अंगद साहिब महाराज नूं याद करके टक लाया है, टोकरी भरी है, चुके तुरे है। बाबा भाई जेठा जी, भाई गुरदास जी, भाई बल्लू जी, फिर मगर संगतां संगतां दे जथे आउंदे कई कई दिन सेवा करदे रहिंदे ते मुड़के गुरु साहिबां दीआं खुशियां प्राप्त करके वापस घरां नूं जांदे।
दो चार जथे जा रहे हैं, दो चार आ रहे, रौनक लगियां। आओ जी तकीए बौली साहब की कार सेवा धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने इउं आरंभ की। तीजे पातशाह ने मन विच सोचिया चौहां वरना दा गुरा भला लोचिया काज कीता शुरू लक्ष्मी दे नंद जी हो गई सेवा बौली साहब दी आरंभ जी। तीजे पातशाह ने मन विच सोचिया चौहां वरना दा गुरा भला लोचिया कीता शुरू लक्ष्मी दे नंद जी हो गई सेवा बौली साहब दी आरंभ जी। बाबा बुड्ढा जी ने टक लाया बोली दा, बाबा बुड्ढा जी ने टक लाया बोली दा, सेवा दा जो कुंभ रचाया बोली दा। भाई जेठे कीता सारा पर बंद जी हो गई सेवा बौली साहब दी आरंभ जी। काबुल ते कश्मीरों आईया संगत सेवा कर पौन वड्डे आईया संगत गोइंदवाल विच बने आया आनंद जी। वेख के नजर माड़िया सी नीतिया चित गया सच मूह हो गए बंद जी। चित गया सच मूह हो गए बंद जी हो गई सेवा बोली साहब दी आरंभ जी। कई प्रकार दे लंगर चल दे कई भुखे आन के दीवारा मल दे धरती ते जिहड़ा तुसी लंगर लाया ना यह मर्यादा सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी ने श्री गोइंदवाल साहब की धरती ते पहले पंगत पाशे संगत वाली बनी। गुरु नानक साहब महाराज ने चूड़ काने और साधुआं नू रब नू याद करने वाले साधु लंगोटधारी नांगे साधु जिन्हां नू महाराज ने 20 रुपया दा 20 रुपये उदों दे हुण की अहमियत रखते हैं ये बड़ी दसण वाली गल है कि 2 रुपये एक घोड़ सवार काबल तो कलकत्ते जावे घोड़े का खर्चा तो सवार का खर्चा 2 रुपये आता सी बाकी तुसी अंदाजा लाओ। सतगुरु जी गुरु अंगद साहब महाराज ने लंगर जारी रखिया खडूर खडूर साहब माता खीवी जी गुरबाणी में आता है लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर की हाली घ्यो वाली खीर वरतदी सी इहो लंगर सतगुरु महाराज के कुछ उच्च जाति आउंदे महाराज के उपदेश भी सुनदे दर्शन भी करदे ते जदों लंगर की वारी आउंदी ना पंगत विच बहना हुंदा समाप्ति के बाद लंगर खोलदा सी
इन्हों ने गेटों पार हो जाना। सिखा ने आख्या महाराज आ जात का अभिमान करते कुछ बंदे, दर्शन तो तुहाडे करदे आ पर पंगत विच बह के प्रशादा नहीं छकदे, उह सोचदे आ भी अहीं उच्ची जात दे। सतगुरु कहिंदे कल पहला आउंदे आ ही भालना पंगत, साढ़े दर्शन ही तो होणगे जे पंगत विच बह के प्रशादा छकणगे। पहले पंगत पाशे संगत महाराज ने पक्का संधान कर दिता, बादशाह भी खदे आया ओ बहाना जिहा लाउण लगा मेरा पेट खराब। सतगुरु कहिंदे सिख कहिंदे भी पहला पेट का इलाज कर लैणे पर लंगर छकना पैना, पंगत जे बहना पैना दर्शन तां छकिया। ऐसा आनंद बादशाह नूं कदे वी नहीं सी आया, इन्ने पदार्थ तरह तरह के खाण वाला बादशाह अकबर। फिर इत्थे भैणों आ सतवा जिहड़ी सती दी परंपरा सी, पति ने चढ़ाई कर जाना ते औरत नूं बदो बदी उहदे नाल सती करना, उहने नाम ही सती होना होवे ना। इन्हां ने जदों सेवा बलदा होना यह रीत सी कि बदो बदी उहनूं गहने भी पहनाउणे, चंगे वस्त्र पहनाउणे। इतिहास ते इत्थों तक कहिंदा कि दवाइयां दवुइयां भी छकाउणियां कि आपे छाल मार दे, पर जे ना होना ढोल झमके वजा के बदो बदी चौके विच मारनी चिखा दे, सती कर देना अगले दिन सोना कढ लेना। महाराज कहिंदे औरत जाति दे नाल जुलम है, धक्का है। जे पति नूं होर ब्याह करवाउण दा ये आर्डर आ करा सकदा है, उहदे लई मर्यादा है, औरत क्यों नहीं करवा सकदी। जे उहदे बच्चे होए पति दे विराग विच वियोग विच उहदे बिरहों विच रह के अपने बच्चों नूं पाले, महाराज ने यह परंपरा बंद की, घुंड परंपरा बंद की। बड़िया इतने सतगुरां ने जड़िया क्रीतियां सी उन्हां नूं वरजिया। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे लंगर विचों जदों बादशाह अकबर ने प्रशादा छकिया, ऐसा आनंद आया, दर्शन किए, कहिंदा सतगुरु आ लंगर कौन बनाउंदा है, इहदे विच पाउंदे की जे। महाराज कहिंदे क्यों, कहिंदा ऐसा ना ऐसा स्वाद जिंदगी विच नहीं आया मैनू जिहड़ा इस पंगत विच बह के लंगर छकण ना स्वाद आया। सतगुरु कहिंदे इह सिखां दी दसां नवां दी किरत, हक दी कमाई उहदे विचों फिर सिमरन करके सिख तैयार करदे आप, होर नहीं कोई बनाउंदा। ओ लंगर आ कहिंदा महाराज मैं जगीर लाउणी चाहुंदा। सतगुरु कहिंदे नहीं, कहिंदा क्यों, महाराज कहिंदे फिर लंगर गुरु नानक साहब दा नहीं रहना, फिर लंगर अकबर बादशाह दा हो जाणा। ये लंगर किसे दी जगीर नाल नहीं चलदा, ये किरतियां ते गृहस्थियां दी किरत दे नाल लंगर चलदा। कहण लगा मैं सेवा करनी चाहुंदा, महाराज कहिंदे फिर कर, बारिश नहीं होई ते फसलां नहीं होईयां, मामला मुआफ कर, होर कई इहदे को ऐलान करवाए, फिर भी जाण लगा। कहण लगा मैं 12 पिंड झबाल वाले बीबी भानी जी दे नाम पटा कर गया सी, जिथे बीड साहब गुरद्वारा साहब है 12 पिंड। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज सेवा करवा रहे, एक बीबी इत्थे तुसीं कई वार पहला पहला सुनी होनी गल, माई सेवा ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਵੇਰੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਐ ਕਰਦੀ। 2-4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਵਾ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਬੀਬਾ ਆ ਗਈ, ਮਾਈ ਸੇਵਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਰੋਜ਼, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਉਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤ ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬੁਰਾ ਕਹਿਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਾਉਂਦਾ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਪੰਘੂੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਝੂਟਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸੰਪੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੈ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੜ ਕੜ ਹੁਣ ਟੁੱਟੂਗਾ ਤੇ ਜਲ ਆਉਣਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਥੱਲੇ ਜਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੜ ਨਾ ਟੁੱਟਾ ਰੋੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੜ ਆ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕੜ ਤੋੜਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਵੀ ਆ ਜਲ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਰੋ ਵੱਲ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪੱਥਰੀਆ ਪੱਥਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜੁੰਮੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਉਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਆ ਇਹਦਾ ਕੜ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਆ ਵਿਧਾਨ ਲਓ ਛੈਣੀ ਲਓ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਤੋੜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜੀ ਤੱਕੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਪੱਥਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੜ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਿਗਾ ਮੇਰ ਦੀ ਪਾ ਗਏ ਓ ਤੇਰੇ ਭਾਗੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੁਰਮਾਇਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰ ਤੋੜ ਮਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਫਲਾ ਜਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਰਨੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਬਥੇਰਾ ਲਾਇਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰ ਤੋੜ ਮਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕੜ ਤੋੜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋਰ ਦੇ ਮਾਰੀ ਸੱਟਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਏ ਸਫਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੜ ਤੋੜ ਮਾਨਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ
ਰਿਆੜ ਸਲਖਣ ਮਹਿਤਾ ਸੰਧੂ ਸੋਹੀ ਸਣੇ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਹੱਥ ਡੋਰੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਕਰ ਤੋੜ ਮਾਨਕਾ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਣੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਕੜ ਟੁੱਟਣਾ ਜਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਕੜ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਲ ਇੱਕਦਮ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉਛਲਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਪਰ ਜਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲ ਆਇਆ ਕੜ ਟੁੱਟਿਆ ਧੁਨੀ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੜ ਤੋਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਏ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵੇਂਦੇ ਆ ਮਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਲਹੂ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ ਸਰਵਣ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਗੋਡੇ ਰਗੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਗੋਦ ਚ ਖੜਾ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਇਆ ਨਿਗਾਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਠਾਠਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਰਵਣ ਸਰਵਣ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ ਵਹਿੰਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਏ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਏ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਲੈ ਉਹਨੇ ਵਹਿੰਗੀ ਰੱਖਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਹਿੰਗੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆਈ ਆ ਸਰੀਓ ਨਦੀ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡੁਬਕੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸਰਵਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵਣ ਦੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਚੁੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਿਆਸੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ
चुकया गड़वा लभ लिया है जिथे दस्या है हौली जी जाके कहिंदा जल छक लो। इतिहास कहिंदा जो सरवण दे तीर वजा मां दियां ताहां निकल गईयां ते सरवण दे पिता ने पुछया की होया ने आख्या मैनूं ऐं लगदा जिवें मेरा सरवण किते मुसीबत विच फस गया। उन्हें आख्या नहीं हुणे ते गया पानी लेके आउंदा होवेगा किते नेड़े आंदरां दी सांझ हुंदी आ ना बच्चियां दी। उन्हें आणके हौली जी आख्या लो जल छक लो। सरवण दे मापे कहिंदे कौन आ तू तू साडा सरवण नहीं है तू होर कोई आ साडा सरवण किथे आ। कहिंदा मेरे को तुहाडा सरवण मारिया गया तीर वज गया है सराफ निकलिया मूहों। बचन सुनते ही सरवण के नाम लेत सरवण के हेत बदले सराफ उचारा है। की सराफ ओ जिवें असीं अपने पुत्र दे वियोग विच रो रो के मरांगे तू ही अपने पुत्रां दे वियोग विच रो रो के मरेगा। 14 साल का बनवास दिता राम नूं लक्ष्मण ने आख्या भरा दे नाल जाना सीता ने पति वरता उन्हें आख्या मैं अपने पति दे नाल रहांगी भावें जंगलां च रुलना पवे सब को बन बना के तुरे या रथां ते आ महिलां ते चढ़ गया दशरथ। जिंदगी ओना चिर जीवी आ जिन्ना चिर पुत्र नजर आउंदे रहे आ दिसदे रहे आ पता 14 सालां तों बाद आ जाणा है ना जी नहीं सकिया विछोड़ा नहीं चल सकिया। माणिक चंद नूं जाके आख्या मां तेरा पुत डुब गया ई ओदियां तहां निकल गईयां। मां ने आख्या वे मेरा पुत किथे डुब गया मेरी जिंदगी दा सबे पीड़ा मंदियां इक बुरी पाइयां दी पीड़ मैनू सबे पीड़ा मंदियां इक बुरी पाइयां दी पीड़ ओ जिवे खादा पूरी करन वास्ते आओ तकिए माणिक चंद दी मां नूं किसे ने जाके ऐउं दा माणिक चंद दी मां नूं किसे आख सुनाया बोली विचों बाहर सुनना सारा मा
ਸਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ प्रोफेसर मोहन सिंह ने बड़िया वधिया लिखियां। ओ कहिंदे मां एक दरख्त आया पर ओ कहिंदे दुनिया दी बनस्पति जिन्नी भी आ ओदी जड़ कट दी ते सुक जांदे। अगर मां एक दरख्त एहो जिहा जिहदे फुल सुक जाण ते जड़ आपे सुक जांदी। मां वर्गा घनश्यावां बूटा मैनू नजर ना आए जिस तो लैके शां उधारी रब ने सरग बनाए। बाकी कुल दुनिया दे बूटे यार सुकिया मर जांदे पर फुल्लां दे मर जाया ये बूटा सुक जाए। मां सुन के हाल दहाई कर दी चली अब दस वे मेरा पुत्र कथे डुबा। सत्कारयोग गुरु की संगत प्रबंधक ज्ञानी जी होरी सैकटरी साहब प्रबंधक कमेटी उन्हां वल्लों बहुत सारा प्यार भेजा जा रहा कर रही। गुरु की संगत वल्लों माया भेजी जा रही है। गुरु के ग्रंथी साहब नौजवान साड़ी जवानी आउण वाला भविख साडा और बड़े प्यार दे नाल तुसी सजे हो। पंडाल भी तगड़ा संगतां आ रही है ते ढाडी जथा भी जड़ा बुलाया वह भी पहुँच गया। ज्ञानी सतनाम सिंह जी लालू घुमण किसी सिफत दे मथाज नहीं। नौ दसते असी स्टेज दे देनी आ सैकटरी साहब नूं उस तो बाद उन्होंने तुहाडी सेवा विच आउणा। उन्हां नूं असीं जी आया आखदे हां जी। बहुत बहुत धन्नवाद है कौम दे महान ढाडी महान विद्वान वो अपने जथे समेत पहुंचे आ सत्कार किया जाए धन्नवाद किया जाए। गुरु की संगत वालों बेअंत मामले भेजे जा रहे उन्होंने वालों भी भाजी होरां वालों बेअंत मामले सारियां वालों ही साडे सेवादार सिंह जिथे जिथे सेवा निभा रहे धनता दे योग है। सारियां दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करांगे हटण लगे। यानी हरप्रीत सिंह जी भालो वाले मैं वेख रहा सी सोच रहा सी भी बहुत मिठी ते बुलंद आवाज है पर भालो वाली दे थां होर कुछ लगा होवे ते संगतां ने आखना फलाना सदो ये बड़ा फर्क पैंदा जी। बड़े बड़े जथे गुरदासपुर के बहुत सारे है जिन्हां दे मगर बड़े बड़े शहरों के नाम लगे बड़ा प्यारा कीर्तन करके गए। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन सवारिया। और मैं बेनती कर आई है सतगुरु जी खड़े है संगत खड़िया है। महाराज सचे पातशाह के चरणों से ढह के आख्या सतगुरु मेरी जिंदगी का इको एक सहारा है मेरा पुत्र मैं ज्यों नहीं रहागी
जे मेरा पुत्र मैनू छड़ के चला गया। इन्हें वरलाप किया, कीरने पाए, संगत सुन रही। सतगुरु जी कहन लगे तुहाडे पुत्र दा की नाम है? कहन लगी माणक। मेरा माणक चंद ते सतगुरु कहिंदे माणक डुबदे नहीं, आवाज मार अपने माणक नूं, तेरी आवाज सुन के आवेगा। इतिहास कहिंदा मां ने माणक चंद अपने पुत्र दा नां लैके आवाज मारी, अको समय तों बाद उपर तर गया। सतगुरां ने सिखां नूं आख्या बड़ी चौकसी चौकसी दे नाल लैके, फिर उहदा जल जिहड़ा पेट च पिया सी कढ़िया गया, मुढ़ली डाक्टरी सहायता दित्ती गई। उस तों बाद कुछ समय तों बाद वह ठीक होए, होश विच आए, नौ बरनौ होए ते महाराज ने खिताब दिता जीवड़ा। भाई माणक चंद जीवड़ा अज भी उन्हां दी संतान दे नाल जीवड़ा लगता है, ते जीवड़े का आपोजिट है मरिया। सतगुरु जी ने जिंदा किया। सचे पातशाह महाराज ने ये 84 पौड़ियां ते 84 इशनान कवि संतोख सिंह जी महाकवि वो लिखते हैं कि सतगुरां दा उपदेश कि एक इशनान करके एक पौड़ी ते जपजी साहब का पाठ, दूजी ते फिर इशनान करके 84 जाप 84 इशनान ते बंदे दा मुक्ति दा रस्ता जड़ा खुल जांदा। सच्चे दिलों बाणी पढ़ी, सिमरन कीता, तीर्थां ते यात्रा कीती, इशनान दान कीते, सच्चे हिरदे नाल जड़ी बाणी सिमरन कीता जांदा है, संधान दे विच रह के मुक्ति दा रस्ता खुल जांदा है, उत्थे लै जांदी जिथों बाणी आई। आओ 84 पौड़ियां सी ते गुरु रामदास साहिब जी ने 84 कदम बणदे आ जिथे हरिमंदर साहिब आना जी, इहदा टक सतगुरां ने लाया। धन गुरु रामदास साहिब जी ने सरोवर दा सतगुरु गुरु पंचम पातशाह महाराज जी ने तैयार करके इहदे विचकार सेंटर दे विच हरिमंदर साहिब बनाया है। जदों तुसीं दर्शनी ड्यूटी तो चलते हो 84 कदम बनते हैं हरिमंदर साहिब के दरवाजे तक, समा इन्हां ने कोई विस्तार किया जा सके। आओ एक कविता भाजी होरां वालों हुक्म होया है, श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दे जी। बाबा जरनैल सिंह खालसा हरबंस लाल खन्ने ने एक जलूस कढ़िया सी जदों संतां ने आख्या सी कि श्री अमृतसर साहिब नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता जाए। इन्हें गुंडे नाल लेके जलूस कढ़िया अमृतसर विच, सतगुरु गुरु रामदास साहिब जी दे तस्वीरां जिहड़ियां लगियां सी स्टेशन ते एक वड्डा मॉडल लगा सी, इहदे गुंडिया ने तोड़ के थले सुट के मसल रहे सी, ते एक गुरु के लाल ने बलविंदर सिंह ने इहदा विरोध किया है, हथों पाई हो दस्तार डिग पी खन्ना लै गया। उस वेले दे लीडरां नूं आख्या जाके मेरी दस्तार मंगवा दिओ, इतिहास कहिंदा कई दिन लंघे दस्तार ना आई। बाबा जरनैल सिंह नूं जाके बेनती की, बाबा जी सुन के रोह विच आ गए, फिर जिंदगी कादी आ साडी, जे साडे घर विच ही साडियां दस्तारां लथण। बाबा जी आए दीवान हाल गुरद्वारा मंजी साहिब जिथों तुसीं रोज कथा सुनदे हो PTC पंजाबी ते, इत्थे माइक ते आण के आख्या ओ खन्नियों ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਲੰਘੇ ਦਸਤਾਰ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਜ ਹੈ ਅਣਖ ਹੈ ਆਨ ਹੈ, 2 ਜਣੇ ਚਲ ਗਏ, 2 ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਗਹਿਰਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੱਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਡੀਕਣ ਡਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈਣੀ ਦਵਾਈ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ, ਭੀੜ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਆਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਟਣੀ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਾਰਨ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਉਹ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਦਰਦ ਰੁਕਣਾ ਆ।
कहिंदा मैं पहला ही वेख लिया इन्हां आम जीआं लोईआं दीआं बुकलां मारियां सी सिद्ध पदरे जे बणे मैं वेख लिया वी तुसीं कमले जे मस्ताने जे पर हुण ते यकीन हो गया जाओ चले जाओ इहो जी कोई दवाई नहीं कहिंदे है की आ असीं विखाल दिंदे आ इन्हां चुकियां चादरां निकलियां बंदे खाणियां करके दी हक वाला मारिया भ्रष्ट गनमैन भजन लगा ने नहीं इहदे नाल नहीं जाणा उत्थे उत्थे कहिंदे पानी धानी ते गड़ी रखना तोड़ के चलते बने अगले दिन खबर आउंदी दो आए हरबंस लाल खाने का गुग्गा पूज गए नाल ही ओदे गनमैन दा किधर गए कित्थों आए कोई पता नहीं कित्थों आए धरती चो निकल के अंबर तो आए मार के कित्थे चल गए भी कोई पता नहीं ते सरकारां नूं आख्या बाबा जरनैल सिंह अतवादी आ भिंडराला वक्खवादी आ अतवादी आतंकवादी आ नहीं नहीं अतवादी ओ हुंदे जिहड़े लोकां नाल धक्का करदे आ जिहड़े लोकां दे हक खोंदे आ जिहड़े जुल्म करदे आ ओ बाबा जरनैल सिंह ते लोकां नूं इंसाफ लेके दिंदा सी भिंडरां वाला अतवादी नहीं सुन ला तू सरकारे अतवादी सी इंदिरा गांधी जिसने अटैक कराया अतवादी इस जरनल वैदिया जिसने कहर घुमाया कुलदीप बराड़ सी अतवादी बेदोश जिसने मारे पिंडरा वाला अतवादी नहीं सुन ला तू सरकार कमांड कमांडो दी सी करदा भ्रम विच राय अतवादी मुख्यमंत्री बेंत सिंह ने कीती सी बर्बादी फसल साड़ी ते मन की मर्जी कर दे क्यों बपारी पुत्तां वांगू पाली रलदी मंडियां विच विचारी सुते दस गलाइया विच चराहे पगा संता ने ता हक मंगे सी चढ़े कतरे पारे डरा वाला अतवादी नहीं सुन ला तू सरकारे बिका साउंड गुरदासपुर भाजी खेम सिंह छाया होया साउंड और तीन भी दीवान लग जान ते तां भी पता नहीं हुंदा भी अहीं गा के सचे पातशाह दे लाइव वाले वीर साउंड गुरु की संगत सेवादार सिंह नौजवान हरगुण टीवी भाजी भुपिंदर सिंह लाइव कर रहे साडे बच्चे बाहर विदेशां विच भी ये सारा जोड़ मेला सरवण कर रहे ते वेख रहे जिन्हां दा हर समागम विच गुरमत समागमां विच वड्डा योगदान हुंदा है ओ उत्थे वेख रहे आ भाजी उत्थे विखा रहे उन्होंने और गुरु के ग्रंथी साहब सेवादार सिंह सारे सैकटरी साहब नौजवान वीर ज्ञानी जी होरी जिहड़े आप कथा करके संगतां नूं सरवण करवा रहे सन ज्ञानी हरदीप सिंह जी
अगला प्रोग्राम उन्होंने सरवण कराउना। आओ सारियां दी चढ़दी कला वास्ते सारे आखियो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। बेअंत मामले आए विण बोलियां सब किह जाणदा किसा के कीचे अरदास भुल्लां दी खिमा गुरु साहिबां दा कोटन कोट शुक्र करदे आग्या मंगदे फतेह बुलाउने आ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।